नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 8 मई है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध करंट अफेयर्स से होता है, डेली समसामयिक विषय से होता है। इसके साथ ही पहले प्रश्न पर चलने से पहले वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है। तो इसमें ऑप्शन थे जापान, इसराइल, दक्षिण कोरिया, लीबिया। जिन लोगों ने भी आंसर इसराइल दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके साथ ही चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है स्मिता सिंह, मारिया रेसा, युवांजे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मारिया रेसा। तो मारिया रेसा को अभी यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। और इसके साथ ही देखा जाए तो पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देता है। यूनेस्को ने रेशा के एक पत्रकार के रूप में 3 दशक के करियर का हवाला देते हुए एशिया के लिए CNN के प्रमुख खोजी रिपोर्टर के रूप में और फिलीपींस ब्रॉडकास्ट ABS-CBN के समाचार प्रमुख के रूप में उनके काम को शामिल करते हुए इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेहरू प्राणी उद्यान सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, असम। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में नेहरू पार्क प्राणी उद्यान है और इसमें अभी 8 एशियाई शेर COVID-19 के लिए सकारात्मक पाए गए हैं। और यह पहली बार है जब भारत में जानवरों में इस वायरस के संक्रमण का पता चला है। एशियाई शेरों के विषय में अगर जाने तो एशियाई शेर उन 5 पैंथराइन बिल्लियों में से एक हैं जो भारत के मूल निवासी हैं और अन्य 4 भारतीय स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय तेंदुए हैं। तो 5 पैंथराइन बिल्लियाँ कौन कौन सी हैं, तो एशियाई शेर हो गया और उसके अलावा अगर देखें तो भारतीय स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय तेंदुआ। इसके साथ ही अगर देखें तो गिर नेशनल पार्क दुनिया में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र ज्ञात निवास स्थान है। तो 2015 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के प्रकोप के कारण कई एशियाई शेरों की मौत हुई थी। इसके अलावा 2018 में बेबीसियोसिस के कारण कई अन्य शेरों की भी मौत की हुई थी और बेबीसियोसिस का प्रकोप 2020 में भी रिपोर्ट किया गया था। 1936 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा एशियाई शेरों की पहली बार जनगणना की गई थी और नियमित एशियाई शेरों की गणना 5 साल में एक बार की जाती है और अंतिम जनगणना जो इनकी की गई थी 2015 में आयोजित की गई थी, लेकिन अगली जनगणना जो 2020 में होनी थी वह नहीं हो पाई। उसका कारण रहा COVID-19 के कारण वह स्थगित कर दी गई थी। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो जो एशियाई शेर होते हैं वह मुख्य रूप से जो जनसंख्या पाई जाती है इनकी या मुख्य रूप से जो निवास स्थान है इनका वह कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि पद्मा नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी है, किस देश में बहती है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो पद्मा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिमी सीमा बनाती है। और अभी हाल ही में पद्मा नदी में एक रेत से भरे मालवाहक जहाज के पलटने के बाद 30 से अधिक यात्रियों के साथ एक नौका पलट गई और इस दुर्घटना में कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की सूचना दर्ज की गई। गंगा नदी पर एक दृष्टि डालें तो गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्वी नदी है जो हिमालय को काटकर या पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर संकरे गॉर्ज का निर्माण करती है। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जो हिमालय के बनने से पहले से ही प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा में मिलती है और यहीं से दोनों की संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। हरिद्वार के निकट गंगा पहाड़ को तोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। तो गंगा कहाँ मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार के निकट। यह प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गंगा प्रारंभ में दक्षिण दिशा में, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व में, फिर उसके बाद पूर्व की ओर बहती हुई जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बट जाती है और मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है और इसके साथ ही इससे पहले पद्मा और बाद में इसे वहाँ पर बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है।
पद्मा जब गंगा मुख्य रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और मेघना इसे तब कहते हैं जब पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है, तो ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी है, फिर उसके बाद गिर जाती है। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो कि जड़ोल मृदा का बना हुआ सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने रोड मैप 2030 समझौते पर अब हस्ताक्षर किए हैं या इस समझौते को अपनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, और इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया है। इससे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ने में एक तरीके से मदद मिलेगी। तो अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि मेफ्लावर 400 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? उपग्रह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, कोविड-19 वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। तो मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, और यह इस जहाज में सौर पैनल लगाए गए हैं, और यह समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा, और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा, और जलीय स्तनधारियों को भी ट्रैक करेगा। इसके साथ ही भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न देशों के सैकड़ों लोग इस जहाज को बनाने में शामिल थे। तो अगला प्रश्न अब लेते हैं। अगला प्रश्न है कि INS कोलकाता लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल आपूर्ति लाने के लिए किस देश में पहुंचा है? तो ऑप्शन है कुवैत, सिंगापुर, मलेशिया या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा कुवैत। तो अभी INS कोलकाता ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के एक भाग के रूप में कुवैत पहुंचा है, और यह कुवैत में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति को लाएगा। इसके साथ ही इससे पहले इस जहाज ने दोहा, कतर से 200 बोतल ऑक्सीजन और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त किए हैं। तो इसी के साथ ही अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई या 9 मई। तो इसका आंसर होगा 7 मई को प्रतिवर्ष, माफ़ कीजिएगा, 5 मई को यह मनाया जाता है। ऑप्शंस में 5 मई नहीं है, तो आप लोग 5 मई कर लीजिएगा। तो 5 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल मनाया जाता है, और यह तारीख समायोजन के अधीन है, और विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख IAAF द्वारा तय की जाती है। हालांकि ये मई में मनाया जाता है, और ये डेट हमेशा चेंज होती रहती है, कभी 7 तो कभी 5 मई होती है, और इसको जो है तय कौन करता है? IAAF तय करता है, और ये लेकिन ये मई महीने में ही मनाई जाती है। तो पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न एक कि सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई या 9 मई। तो इसका आंसर होगा 7 मई। 7 मई को अभी सीमा सड़क संगठन का जो गठन है वो 7 मई 1960 को किया गया था। 7 मई 1960 में इसका गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। इसके साथ ही 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया, और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है, और इसकी प्राथमिकता जो है मुख्य रूप से इसकी प्राथमिक जो भूमिका है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इसके साथ ही अगर देखें तो यह भारत के समग्र सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमाओं के साथ साथ अपग्रेड और बुनियादी ढांचे का सृजन भी करता है। BRO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसके साथ ही देखें तो BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में गोप बंधु संविदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। इसके साथ ही अगर देखें तो यह घोषणा गोप बंधु
संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई थी। इसके साथ ही राज्य में 6,500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ओडिशा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। तो किसके लिए शुरू की गई है? ये पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अभी सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर दिया जाता है। GI टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार की मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। इसी के साथ ही वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हॉर्सनिंग प्लांट शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।